Hello and welcome back to my YouTube channel. This is your host Bhaskaranath and you're watching me on the Bhaskar Talks. सुबह के बज रहे थे almost 4:30 और something around and मैं आज उठ गया था. रीज़न ये था कि आज मेरे को कहीं पे जाना था, तो उसी वजह से उठ के मैंने सोचा कि थोड़ा मॉर्निंग उठ ही गया हूँ तो थोड़ा सा घूम लेता हूँ, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया. हालांकि कुछ ज़्यादा करने के लिए था नहीं, तो अकेले ही निकलना पड़ा, ऑब्वियस फैक्ट है. एंड बहुत दिनों बाद मैं एक्चुअल में मॉर्निंग वॉक, तो जैसे ही कह रहा था मैं बहुत दिनों बाद आज मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ. कुछ ज़्यादा था नहीं देखने के लिए करने के लिए, तो इसी वजह से. एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि आप अगर एक काम नहीं करते तो अचानक से अगर करोगे ना तो इस काम में आए तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा या फिर टायर्डनेस आएगा. मेरे केस में आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, सो मे बी अगर मतलब सब कुछ सही रहा तो आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस. एंड उसके बाद मॉर्निंग वॉक कंप्लीट होने के बाद आई बिफोर गोइंग टू होम आई वेंट टू गोविंदा मंदिर ऑब्वियस, तो उधर प्रणाम किया भगवान को एंड फिर उधर योगा हो रहा था. सो बहुत लोगों को योगा करते हुए देखा एंड बस बेसिक्स सा था आज. और फिर फाइनली भगवान का दर्शन किया एंड फिर मैं घर की ओर निकल पड़ा था. तो घर की ओर निकलने के टाइम हम लोग के इधर और तो एक दो मंदिर होता है, जो झूलन मंदिर और न्यूली एस्टेब्लिश किया गया रास मंदिर, तो उनका भी दर्शन कर लिया मैंने. एंड ये रहा रास मंदिर का प्रीमाइसेस. इसके अगर इसका दर्शन आपको अच्छे से करना है, मतलब टूरिंग वगैरह, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, उसमें एक बार चेक कर सकते हो, रथ यात्रा वाला वीडियो. तो बहुत सुंदर है अंदर से मंदिर, तो एक बार ज़रूर से चेक कर लेना. एंड अगर प्रिपेयर हो आते हो तो इस मंदिर का दर्शन अवश्य करना, क्योंकि ये बहुत यूनिक और नया आर्कियोलॉजिस्टिक टाइप से बनाया गया है, बहुत सुंदर लगा. सो या और ये रहा हम लोग का बरपेटा रोड ब्रांच का नाम घर, जो कि अंदर से बहुत ब्यूटीफुल एंड शांत है. सो सब कुछ दर्शन होने के बाद घर आ गया था, फ्रेश हो गया एंड फिर इधर स्टेशन आ गया, क्योंकि मुझे आज कहीं पर जाना है. तो इसका सरप्राइज़ है आपको लोगों के लिए, जो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्यों जा रहा हूँ मैं और कहाँ जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ तो इसमें पता चल जाएगा, बट क्यों जा रहा हूँ. सो गाइज फाइनली 3 hours के जर्नी के बाद मी एंड माई मॉम वी रीच कोच बिहार बिकॉज ऑफ ए सर्टन ओकेशन, फैमिली ओकेशन. एंड इधर आने के बाद जो गर्मी मुझे फील हुआ आसाम के कंपेरिजन में, इट वॉज लाइक सुपर सुपर हॉट ओवर हियर एंड लाइक हमारे लिए इट वॉज लाइक सडन चेंज ऑफ एनवायरमेंट एंड आई कुडन लाइक बिलीव इट वॉज सो हॉट आउट देयर. सो उतरने के बाद वी हैड टू टेक बस एंड वाइल टेकिंग बस दिस वॉज द फुटेज आई एक्यूमुलेटेड. इट वॉज द राजबाड़ी और द पैलेस ऑफ कोच बिहार, विच सीम्स प्रीटी ब्यूटिफुल एंड गुड. आई वेंट वंस बट इसका कोई तब वीडियो बना नहीं था, तो अगर कभी फिर जाना होता है सो ज़रूर से बनाएंगे. सो गाइज आफ्टर रीचिंग टू द रिलेटिव्स हाउस हम लोग शाम की तरफ शॉपिंग के लिए आ गए थे, बिकॉज बोला था ओकेशन है तो अभी शॉपिंग हो रहा है, मतलब वेजिटेबल्स एंड वगैरह वगैरह, तो बेसिक्स है ये भी. और शॉपिंग ख़त्म होने के बाद मी एंड दिस इज माई क्यूट लिटिल ब्रदर, तो हम लोग अभी घर जा रहे हैं और घर जाने के टाइम हमें ये दर्शन हुआ. तो इसी तरह उस दिन का अंत हुआ. सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड कमेंट. एंड आई एम वेरी मच सॉरी आज उतना एनर्जी के साथ मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो के रखा है एंड मैं रिलेटिव के घर में आया तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा दिक्कत हो गया. एनीवे गाइस बाय.